तो दोस्तों आज आपके सामने मैं एक ब्लॉग लेके आया हूँ। ये है हैदराबाद और श्रीसैलम का दिव्य दर्शन। तो श्रीसैलम हम हैदराबाद पहुँच के हमने नाइट जर्नी बस में करके अगले दिन सुबह सुबह पहुँच गए थे। श्रीसैलम में लंबी कतार लगी हुई थी तो हम यहाँ काफ़ी थके हुए भी थे जर्नी करके आने के बाद, तो थकान दूर किया और लंबी लाइन में आते आते भी थकान अपना मिटाया और फिर लंबी लाइन से होते हुए हमने भगवान शिव शंकर हमारे आराध्य देव हैं उनके दर्शन किए और हम बाहर को आ गए। ये बाहर का नज़ारा है, ये हमारे वो होटल का नज़ारा जहाँ हमने नाइट स्टे किया हैदराबाद में, सेकेंड डे नाइट स्टे। और यहाँ से फिर अगले दिन हमने 2000 रुपये में फुल डे के लिए कैब बुक किया जिसने हमें पूरे हैदराबाद को घुमाया अच्छे से, चाहे वो बिरला टेंपल हो पहाड़ी पर मौजूद बट शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। चाहे बिरला टेंपल के बारे में आपको मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, ऑल इंडिया में बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं। और बिरला टेंपल से निकल के हम सलार जंग म्यूज़ियम गए, यहाँ पर वीडियोग्राफी बाहर से हमने किया, फ़ोटोग्राफी अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट हम जब चौमहल्ला पैलेस या निज़ाम पैलेस की तरफ गए तो हमने जी भर कर किया। ये चार मीनार है, हम रोड से आते जाते हमने देखा काफ़ी भीड़ रहता है, हमको गाड़ी बाकायदा पार्क करवाना पड़ा यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करने के लिए और कार से ही हम अंदर से लेते रहे। तो ये जो है खिलावत मुबारक पैलेस है, यहाँ से होते हुए हम फिर निज़ाम पैलेस में आ पहुँचे। यहाँ की नक्काशी निज़ाम लोगों के समय की बखूबी आप देख सकते हो, बेहतरीन है अंदर की नक्काशियाँ और बेहतरीन है। यहाँ पर जो झूमर वगैरह कांच से बने हुए एक आलीशान पीस है, मास्टरपीस है, जो आज बनना बहुत मुश्किल है। आज के डेट में ऐसे कलाकार तो उमदा है मौजूद पर इनकी एकदम डिक्टो कॉपी बननी बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर ये सब गार्डन्स और लॉन्स वगैरह हैं निज़ाम पैलेस में, पूरे कंपाउंड में कैनन्स वगैरह भी रखे गए हैं टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करने के लिए। और आप पूरे एक एक साज सज्जा को और उनकी इमारतों की बनावट को देख सकते हो दोस्तों। सेंट्रल इंडिया से लोगों को हैदराबाद आने में मतलब छत्तीसगढ़ से अगर बात करूं तो 12 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन बाय बस। नागपुर से होके अगर हम जाते हैं तो हमको और समय कम लगता है, 3 से 4 घंटे हमारे बच जाते हैं। और उस समय का फेयर मुझे तो याद नहीं है अभी, 2011-12 में समर में हम गए थे यहाँ पर, समर नहीं विंटर में गए थे हम। और श्रीसैलम की अगर बात करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और सलार जंग म्यूज़ियम करने के बाद हम गोलकुंडा फोर्ट गए थे और एक बहुत बड़े विशाल झील में गए थे जो सबसे लास्ट हमको पॉइंट दिखाया गया था, उस झील को भी आगे देखेंगे हम। तो अभी तो जो हम सलार जंग म्यूज़ियम के अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है और ये हमने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लिए थे वहाँ के ताकि हमको नॉलेज में रहे, वही सब आपको इसी माध्यम से वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं कि निज़ाम द्वितीय प्रथम सभाएं हैं और ये वर्ल्ड क्लास घड़ी है, उस समय की एंटीक घड़ी मीर निज़ाम अली खान द्वितीय ने भी यहाँ पर राज किया था। और गोलकुंडा फोर्ट के बारे में अगर बताऊं तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स लोगों के या जो निज़ाम लोगों की काफ़ी मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर बताऊं काफ़ी कुछ चीज़ें दर्ज हैं। गोलकुंडा फोर्ट में तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिनमें आवाज़ जो है इको होता है, नीचे से राजा ताली बजाते थे तो ऊपर सैनिक सुन लेता था या ऊपर से सैनिक जो है ओपन विंडो से वहाँ पर दूर के दुश्मनों के आने का अगर उसको तनिक भी भनक लगती थी तो तालियाँ ऐसे बजाते थे कि नीचे राजा के महल तक आवाज़ पहुँच जाता था। तो ये सलार जंग म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी गई हैं, जो पोर्ट्रेट सजा के रखे गए हैं, सब जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, मीर उस्मान अली खान सातवें उन्होंने भी राज किया यहाँ पर, उस समयकालीन जो करेंसी नोट्स या सिक्के चलन में थे उन सब का भी नज़ारा। खिलावत मुबारक ये भी एक पैलेस है जो कि हार्ट ऑफ द पैलेस निज़ाम का माना जाता है। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हमें कैनन्स और उस समय के जो घोड़े गाड़ी वगैरह हैं वो भी हमको आगे दिखाई में पड़ेगा।
तो सलार जंग म्यूज़ियम से निकल के दोस्तों हम लोग एंटिक म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। सुधा कार म्यूज़ियम बोला जाता है इस जगह को, जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक, चाहे टू व्हीलर्स हो या चाहे फोर व्हीलर्स हो, उन सबके एंटिक पीसेस रखे गए। ये फुटबॉल माफिक देख रहे हो आप, ये ट्रेन गाड़ी जो देख रहे हो बच्चों की तरह पर बढ़िया है। फिर हम वहाँ से गोलकुंडा फोर्ट के लिए निकल गए दोस्तों। यहाँ के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर जिन्होंने राज किया है उन्होंने यहाँ का बेहतरीन अब तक का जो है इमारत बनाया है। इनको बखूबी ऐसे बनाया गया है कि अपने दुश्मनों से रक्षा किया जा सके। और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक फांसी घर भी है, आप दरवाजे से अंदर घुसते हो तो वहाँ पर कैदियों को रख के फांसी दी जाती थी, फांसी घर है। यहाँ से आप निकल के सीढ़ियों की तरफ चढ़ के ऊपर हाइट में जो एक आखिरी गुंबद है, जो वहाँ पर काफ़ी खंडर हो चुके हैं जगह पर, अंदर से जो मेन महल का स्ट्रक्चर है बहुत बेहतरीन है आज भी, और उनका रिकन्स्ट्रक्शन भी चलता रहता है बीच बीच में। तो ये वो फोर्ट के ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से आप पूरे हैदराबाद शहर को देख सकते हो। गोलकुंडा फोर्ट से निकल के दोस्तों हम ये आ गए उस जगह पर जहाँ पर नकली आइस का जो इफेक्ट है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ऊपर स्लोप लेके स्केटिंग का भी मजा ले सकते हो। आपको विंटर जैकेट्स हायर करने पड़ते हैं, ये सब लेके ही आप यहाँ पर, क्योंकि आपको नेचुरल नहीं, आपको आर्टिफिशियल यहाँ बर्फ के बीच में ये जगह जो देखने मिलेगा, वैसा ही एहसास मिलेगा कि आप बर्फ के पहाड़ के बीच में हैं। फिर हम हुसैन सागर झील गए, आखिरी ये हमारा पॉइंट था जहाँ पर हमको कैब वाले भैया ने लेके गया। हुसैन सागर झील हम शाम को पहुँचे, यहाँ का दृश्य भी अच्छा था, बस थोड़े से यहाँ पॉल्यूटेड जो लेक साइड में पॉल्यूशन काफ़ी फेंका हुआ है, कचड़े वगैरह गिराए गए हैं। ये हमारा हैदराबाद का बेहतरीन ट्रिप रहा दोस्तों, आगे और बेहतरीन ट्रिप्स आपके सामने लेते आएंगे, लेके आएंगे, बने रहिएगा।